बेटा ये YouTube लाइव है, परेशान करेगा। चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक बार फिर कोशिश करते हैं भाई। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि जिस तरह से हमारी बॉडी में हड्डियां होती हैं, उसी तरह से स्पॉन्ज लोगे में स्पिक्यूल्स होता है। ये जो स्पिक्यूल्स होता है, स्पॉन्ज में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन की बेसिस है, याद रखिएगा। और इनकी जो बॉडी होती है उसमें मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, याद रखिएगा। ये बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है। यहां पे एक चीज हम आपसे कहेंगे, अगर मेल और फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन है तो पहले मेल मैच्योर होता है तो बोलेंगे प्रोटोएंड्रस, और पहले फीमेल होता है तो प्रोटोगाइनस। पूरे जियोलॉजी में जितने भी हैं सब प्रोटोएंड्रस होते हैं, याद रखिएगा। मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, ऑल द एग्जांपल्स इन जियोलॉजी आर प्रोटोएंड्रस इफ दे आर बाइसेक्सुअल। बट इसमें याद रखिएगा, साइकॉन या स्काइफा जो होता है वो प्रोटोगाइनस होता है, प्रोटोगाइनस कंडीशन, यानी ओनली फीमेल इज गोइंग टू मैच्योर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन विच वन, केवल और केवल स्पॉन्ज में है, याद रखिएगा। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, याद रखिएगा इस बात को, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। और इसमें याद रखिएगा, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ज्यादातर लोग गलत करते हैं। अगर पूछेगा बडिंग, बडिंग, तो आप जो है बडिंग देके घबरा जाते हो। घबरा क्या होता है, तुरंत मार के तुरंत ही, बहुत सिंपल सवाल आ गया। लेकिन अगर बडिंग में अगर आपसे पूछ दे क्या इंटरनल वर्ड, इंटरनल वर्ड, तो आंसर कुछ और होगा। अगर कह दे रेस्टिंग वर्ड, रेस्टिंग वर्ड, तो आंसर कहीं कुछ और होगा। चलिए जरा बताइए कमेंट सेक्शन में, जरा जवाब दे दीजिए जितने लोग भी देख रहे हैं, कि इंटरनल वर्ड और रेस्टिंग वर्ड में क्या अंतर होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल वर्ड एंड रेस्टिंग वर्ड, इंटरनल वर्ड और रेस्टिंग वर्ड में क्या अंतर है, जवाब दीजिए। साहिल गुड इवनिंग। बताओ भाई लोग, जवाब किसी के नहीं आया, समझ लीजिए। बडिंग देख के जोश में मत आ जाइएगा, ठीक है। बडिंग ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है, लेकिन अगर आपसे वो पूछता है इंटरनल बडिंग, तो इंटरनल बडिंग हम किसको बोलते हैं, जेम्यूल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जेम्यूल। और ये किसकी कहानी है, कहां पाया जाता है, ये स्पॉन्ज में कहां पाया जाता है, स्पॉन्ज यानी जो पढ़ रहे हो, इसमें इंटरनल बडिंग पाया जाता है और उस इंटरनल बडिंग को जेम्यूल बोलते हैं। लेकिन मैंने कहा जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, क्या रेस्टिंग बडिंग कहां पाया जाता है, रेस्टिंग बडिंग या रेस्टिंग बर्ड, रेस्टिंग बडिंग या हम तुमसे कहते हैं रेस्टिंग बर्ड, किसको बोलते हैं रेस्टिंग बर्ड। एनी वन ऑफ द क्लास जल्दी बताइए, किसी का नहीं आया जवाब। अंकित गुड इवनिंग, भैया सबको गुड इवनिंग एक साथ। रेस्टिंग बर्ड किसको बोलते हैं, बुलबिल को, याद रखिएगा। बहुत तेज गलत होगा ये, बुलबिल। रेस्टिंग बर्ड क्या होता है, बुलबिल। ये कहां पाया जाता है, एगेव में, एगेव पौधा है, प्लांट है, समझो। तो आप देखो 12th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां आपको देखने को मिलेगा अगेव, वहां पे पाया जाता बुलबिल, उसको बोलते रेस्टिंग बर्ड। चलो भाई इंटरनल बर्ड को क्या बोलेंगे, जेम्यूल। ये कहां पाया जाता है, स्पॉन्ज में। नॉर्मल बडिंग कहां है, ईस्ट और हाइड्रा में। जबकि रेस्टिंग बर्ड कहां पाया जाता है, अगेव में। रेस्टिंग बर्ड को क्या बोलते हैं, बुलबिल, बुलबिल। वेद प्रकाश वेरी गुड, वेल डन, बुलबिल रेस्टिंग बर्ड। चलिए तो अब आपने पोरीफेरा तो कल देख ही लिया था, अब आगे दूसरा फाइलम हम देखते हैं पोरीफेरा के बाद। इसके एग्जांपल में जरा ध्यान दीजिएगा, इसके तीन साइकॉन, साइकॉन यूस्पंजिया स्पंजिला। बोलो पहला क्या भाई, साइकॉन, दूसरा क्या है, यूस्पंजिया, तीसरा क्या है, स्पंजिला। साइकॉन को क्या बोलते, स्काइफा। यूस्पंजिया को बोलते क्या, बाथ स्पंज। क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज। इसको बोलते हैं क्या, स्पंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज। इसके निकने में याद रखिएगा, इसके निकने में याद रखिएगा सब लोग। देखिए हम क्या बोलते हैं साइकॉन को, स्काइफा, स्काइफा बोलते हैं। यूस्पंजिया को क्या बोलते हैं भाई, बाथ स्पंज, बाथ स्पंज। किसको बोलते हैं बाथ स्पंज, यूस्पंजिया। स्पंजिला को क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर
स्पॉन्ज, याद रखिएगा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। सिर्फ एक एक्स्ट्रा आपको यहां पे मैं कराऊंगा, क्लियोना, CLIONA, क्लियोना। बेटा ये क्या होता है? बोरिंग स्पॉन्ज। बेटा ये क्या होता है? बोरिंग स्पॉन्ज। तो बता किसको बोलते हैं बोरिंग स्पॉन्ज? क्लियोना। चलो किसको बोलते हैं? स्काइफा साइकॉन। बाथ स्पॉन्ज यूस्पॉन्जिया। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जिला। ये निकनेम याद रखिएगा सारे लोग, निकनेम याद रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। चलिए अब हम ये फाइलम हम देख चुके हैं, अब हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 50 पे पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 50 पे जरा देखते हैं। ये देखिए जो मैंने आपको निकनेम कराया था साइकॉन, क्या बोलते हैं? स्काइफा स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और यू स्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं? बॉथ स्पॉन्ज। याद करते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए। यहीं पे यू प्लेक्टेला, वेरी गुड, यू प्लेक्टेला ये वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, ये जापान में वेडिंग ग्लेव गिफ्ट दिया जाता है। ये जापान में जो न्यूली मेड कपल होते हैं, जिनकी नई नई शादियां होती है, उनको गिफ्ट देते हैं, उसका मतलब होता है। स्टेट पीएमटी में खूब पूछता है, ऑल इंडिया में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे, उसके बाद वो एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे जो सबसे ज्यादा पूछा गया नेशनल लेवल में। तो आपको बस चार एग्जाम्पल याद रखने हैं, साइकॉन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, और एक एक्स्ट्रा हमने कराया क्लियोना। जानने के लिए यू प्लेक्टेला भी याद कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेंड्रेटा। माई डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, जो भी आपका ये सिलेंड्रेटा है इसको हम निडेरिया बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे हम आपको कहें, फोटो देखिएगा ध्यान से, यहां पे हम कहें आपसे कि सिलेंड्रेटा को सिलेंड्रेटा क्यों कहते हैं? ड्यू टू सिलेंड्रॉन, ड्यू टू सिलेंड्रॉन, सिलेंड्रॉन। सिलेंड्रॉन का दूसरा नाम क्या है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। याद रखिएगा जिस तरह से पोरीफेरा में पैरागैस्ट्रिक कैविटी पाया जाता है, उसी तरह से सिलेंड्रेटा में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाया जाता है। उस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को सिलेंड्रॉन कहते हैं, तो उसी सिलेंड्रॉन के नाम से सिलेंड्रेटा का नाम सिलेंड्रेटा पड़ा। याद रखिएगा इसे हम निडेरिया के नाम से जानते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे एक सेल होती है जिसको हम नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं। नीडोब्लास्ट सेल का दूसरा नाम स्टिंगिंग सेल है, स्टिंगिंग सेल। इसका इस्तेमाल करके इसके जो मेंबर्स होते हैं वो अपने शिकार को पकड़ते हैं, अपने आप को बचाते हैं, और एक जगह से दूसरे जगह पे वो लोकोमोशन करते हैं। सिलेंड्रेटा जिसको निडेरिया के नाम से जानते हैं, इसके जो मेंबर हैं ये एक्वेटिक हैं। याद रखिएगा ये मोस्टली मैराइन हैं, ये कैसे हैं? मोस्टली मरीन हैं, और ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब अपने जगह को चेंज ना करे। कुछ मेंबर सेसाइल हैं तो कुछ फ्री स्विमिंग भी होते हैं, याद रखिएगा। तो सिलेंड्रेटा के मेंबर सेसाइल की फ्री स्विमिंग की दोनों, तो दोनों कैसे होते हैं? एक्वेटिक एंड मोस्टली मरीन। और याद रखिएगा इस पे जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी इनके बॉडी को दो बराबर भागों में एक से ज्यादा प्लेन पे हम बांट सकते हैं, इस बात को समझिएगा। उसके बाद हम बात करें इनमें, तो इनके डायग्राम जरा ध्यान से देख लीजिए, इनके डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, इनके मेंबर को पहचान लीजिएगा। सिलेंड्रेटा इंडिकेटिंग आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फॉर्म। ये क्या है? ऑरेलिया। ये जो है क्या है? ऑरेलिया, जिसको जेलीफिश बोलते हैं। एडेंसिया, जिसको सी एनीमोन बोलते हैं, याद रखिएगा। देखिए यहां पे, यहां पे ये देखिए ऑरेलिया, ये बेसिकली क्या है? ये जेलीफिश, जेलीफिश, जेलीफिश बोलते हैं, याद रखना जेलीफिश। याद रखिएगा दिस इज नॉट अ ट्रू फिश, नॉट अ ट्रू फिश, ये मछली नहीं है, मछली नहीं है, ट्रू फिश नहीं है, फॉल्स फिश है, याद रखिएगा। ऑरेलिया जेलीफिश, इनके दो रूप होते हैं, एक पॉलिप होता है और एक मेड्यूसा होता है। थिन सिलेंड्रिकल पॉलिप होता है, पॉलिप जनरली सेसाइल होता है, लेकिन मेड्यूसा जो है अम्ब्रेला लाइक या शॉकर लाइक
फुटबॉल के जैसा छाते के जैसा होता है, जो मेडुसा होता है वो क्या होता है, फ्री स्विमिंग होता है, यानी सिलेंड्रेटा के जो मेंबर है दो बेसिक बॉडी फॉर्म में पाए जाते हैं, पहला जो होता है पॉलिप होता है और दूसरा जो होता है वो मेडुसा होता है। ये जो फोटो दिया है वो पॉलिप का है, जितने पॉलिप होते हैं ये देखिए ये थीन है और सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, जबकि ये छाते के जैसा या फुटबॉल के जैसा। इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए और इसको जरा आप ध्यान से देखिए, यहां पे कोई भी शेडिंग वोडिंग नहीं है, समझो बात को। यहां पे इस फिगर को ध्यान से देखिए, बेसिक बॉडी फॉर्म, बेसिक बॉडी फॉर्म याद रखिएगा। ऑरेलिया जिसको जेली फिश के नाम से जानते हैं, जो कि एक ट्रू फिश नहीं है, ये एक फॉल्स फिश है, और ये मेड्यूसा का एग्जांपल है, जबकि एडेम्सिया पॉलिप का एग्जांपल है। ये देखिए हाइड्रा और एडेम्सिया दोनों, इसका एक ऐड कर सकते हो, हाइड्रा एडेम्सिया ये किस रूप में पाए जाते हैं, पॉलिप। ऑरेलिया सिर्फ और सिर्फ किस रूप में है, मेड्यूसा, समझो। तो आप यहां पे एक चीज ऐड कर सकते हैं, क्या इसमें नीडोब्लास्ट सेल, नीडोब्लास्ट सेल, नीडोब्लास्ट सेल याद रखिएगा, कौन सी सेल है भाई, नीडोब्लास्ट सेल पूरे एनिमल किंगडम की सबसे कॉम्प्लेक्स सेल है, पूरे एनिमल किंगडम की सबसे कॉम्प्लेक्स सेल है नीडोब्लास्ट सेल, मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल ऑफ एनिमल किंगडम। जरा बताइए ह्यूमन के बॉडी की सबसे कॉम्प्लेक्स सेल कौन है, एनी वन ऑफ द ग्रुप, कोई बताओ बच्चा, मानव के शरीर की सबसे कॉम्प्लेक्स सेल का नाम बताइए। ह्यूमन बॉडी की सबसे कॉम्प्लेक्स सेल का नाम, किसी का जवाब नहीं आया, हरी अप, नितिन प्रकाश, नर्व सेल बेटा, हाँ नर्व सेल, वेरी गुड, नर्व सेल। और नर्व सेल में भी सबसे कॉम्प्लेक्स जो होती है उसका नाम है पुर्किंजे सेल, पुर्किंजे सेल, जबकि पुर्किंजे फाइबर कहां होता है बेटा, हार्ट में, पुर्किंजे या नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, पुर्किंजे फाइबर कहां होता है, हार्ट में, जबकि पुर्किंजे सेल ये हमारे ब्रेन में होता है। हमारे ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये जो पुर्किंजे सेल होता है ये हाइंड ब्रेन में होता है, याद रखिएगा, कोरिलेट करिए चीजों को। एनिमल किंगडम का सबसे कॉम्प्लेक्स सेल नीडोब्लास्ट है, मानव के शरीर की सबसे कॉम्प्लेक्स सेल नर्व सेल होती है, और नर्व सेल में भी जो सेल है उसका नाम है पुर्किंजे सेल, और ये हाइंड ब्रेन में होती है, और ये फ्लास्क शेप होती है, बिल्कुल फ्लास्क शेप, और इसका रंग पीला कलर होता है, येलो कलर, येलो कलर, येलो कलर का स्ट्रक्चर बताओ, मैक्यूला ल्यूटिया, मैक्यूला ल्यूटिया, ये कहां होता है, मैक्यूला ल्यूटिया बताओ भाई, कार्पस ल्यूटियम, सब येलो कलर है याद रखिएगा, इसका मतलब फाइंड ऑड वन आउट दे देगा, फंसा देगा, मैक्यूला ल्यूटिया, कार्पस ल्यूटियम, यानी हमारे सेंस ऑर्गन में, और क्या है, सेक्स ऑर्गन में, और क्या है, नर्व सिस्टम में येलो कलर का संबंध है, कोरिलेट करिएगा। इसकी बॉडी पे आप देखोगे क्या है, ये टेंटेकल्स पाए जाते हैं, टेंटेकल्स, टेंटेकल्स प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स, नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर, नीडोब्लास्ट का क्या काम है, एंकरेज यानी अपने आप को होल्ड करना, डिफेंस दुश्मनों से अपने आप को बचाना, और क्या है, कैप्चर ऑफ प्रे, कैप्चर ऑफ प्रे यानी अपनी भूख मिटाना, शिकार पकड़ना। इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है भाई, इनकी बॉडी में एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, क्या नहीं है, मीजोडर्म, मीजोडर्म के जगह पे क्या है, मीजोग्लिया, लेकिन मीजोग्लिया सिलेंड्रेटा में कैसी है, नॉन सेलुलर याद रखिएगा, डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्या नहीं है, मीजोडर्म, क्या है, मीजोग्लिया, और मीजोग्लिया कैसी है, सेलुलर, सुनना, और इसमें गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, इसी गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी को हम सिलेंट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रॉन याद रखिएगा, जबकि इसको नीडोरिया बोलते हैं, क्योंकि नीडोब्लास्ट सेल है, ये देखिए नीडोब्लास्ट सेल, पूरे जंतु जगत की सबसे जटिल कोशिका, याद रखिएगा, पूरे एनिमल किंगडम की सबसे कॉम्प्लेक्स सेल है, ये लग रहा है कोई बॉडी है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये सेल है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल नीडोब्लास्ट। अब सुनना, यहां पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कोरल्स पाए जाते हैं, और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों होता है, यानी इन यहां जो डाइजेशन होता है वो सेल के सरफेस पे भी होता है,
हमने कहा अगर ये सेल का सरफेस है तो सरफेस के भी होगा, और हमने कहा अगर ये फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल, तो उसके भीतर भी होगा, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। याद रखना गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, फूड वैक्यूल के अंदर इंट्रा सेलुलर होता है। हाँ भाई सिलेंड्रेटर में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर की दोनों होता है। पहले क्या होगा एक्स्ट्रा सेलुलर, फिर क्या होगा इंट्रा सेलुलर, समझाओ अपने आप को। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के सरफेस पे क्या होगा एक्स्ट्रा सेलुलर, फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा इंट्रा सेलुलर। याद रखिएगा प्रियंका राठौर बोथ वेरी गुड। देखना इनकी बॉडी दो रूप में है, पॉलिप के रूप में और मेड्यूसा के रूप में। पॉलिप में भी टू सेट क्रोमोसोम है और मेड्यूसा में भी टू सेट क्रोमोसोम है, दोनों ही टू एन होते हैं याद रखिएगा। और इसमें हाइड्रा और एडेंसिया केवल पॉलिप के रूप में होता है, जबकि अभी आपको बताया था ऑरेलिया या जेलीफिश ये केवल मेड्यूसा के रूप में होता है। जितने भी पॉलिप होते हैं पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, इस बात को याद रखिएगा। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप क्या है सेक्सुअली, और ऐसी सिचुएशन सिर्फ एक जगह है ओबेलिया। ओबेलिया जिसको हम सी फर कहते हैं एसईएसी फर, याद रखिएगा इसमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों होता है। वह कौन से मेंबर है जिसमें केवल पॉलिप स्टेज पाया जाता है हाइड्रा और एडेंसिया, वे कौन से मेंबर है जिसमें केवल मेड्यूसा पाया जाता है ऑरेलिया, वे कौन से मेंबर है जिसमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों पाया जाता है ओबेलिया। ओबेलिया को क्या बोलते हैं सीफर, ओबेलिया को क्या बोलते हैं सीफर। देखिए फाइसेलिया इसको बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, बताओ भाई किसको बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, फाइसेलिया किसको बोलते हैं सी एनीमोन एडेम्सिया, सी एनीमोन एडेम्सिया। पेनेट्यूला सी पेन, गर्गोनिया सी फेन, नियंड्रिना को क्या बोलते हैं भाई ब्रेन कोरल। ऐसे ही एक एक्स्ट्रा याद कर लो फंजिया, फंजिया फंजिया को बोलते हैं मशरूम कोरल, फंजिया को बोलते हैं मशरूम कोरल, फंजिया को बेटा क्या बोलते हैं मशरूम कोरल। बताइए किसको बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वार फाइसेलिया, वहीं से बोलिए जहां बैठे हैं किसको बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वार बताइए फाइसेलिया। सी एनीमोन किसको बोलते हैं भाई एडेम्सिया, सी एनीमोन एडेम्सिया, दिमाग में बैठ जानी चाहिए बात। पेनेटुला सी पेन, गर्गोनिया सी फेन, मेंड्रिना ब्रेन कोरल। अच्छा सबसे ज्यादा जो गलत होगा सिलेंटेटा में वो क्या करेंगे लोग कि हाइड्रा और एडेम्सिया सिर्फ पॉलिप के रूप में होता है और जेलीफिश सिर्फ मेड्यूसा के रूप में होता है, ओबेलिया या सीफर पॉलिप और मेड्यूसा दोनों के रूप में होता है। आपने पॉलीफेरा निपटा दिया, सिलेंटेटा देख लिया, अब टीनोफोरा पे आ गए। माय डियर स्टूडेंट्स क्या गजब खूबसूरत लग रहा है यार, देखो तो पूरे एनिमल किंगडम का सबसे सेक्सी फाइलम है टीनोफोरा। याद रखिएगा इसको हम समुद्री अखरोट सी वॉलनट या कॉम जेली बोलते हैं, इसको हम लोग सी वॉलनट या कॉम जेली बोलते हैं। जरा इसकी बॉडी को ध्यान से देखिए, इसको हम लोग सी वॉलनट, इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं सी वॉलनट समुद्री अखरोट या कॉम जेली बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट एक्सक्लूसिवली मरीन है, जस्ट लाइक प्रोटोकार्डेटा रेडियल सिमेट्री है, ऐसे ध्यान रखिएगा। बॉडी डिप्लोब्लास्टिक है मतलब यहां पे मीजोडर्म नहीं है, लेकिन एक्टोडर्म और एंडोडर्म को किसने जोड़ा है मीजोग्लिया। लेकिन ध्यान दें सिलेंटेटा का मीजोग्लिया नॉन सेलुलर था, इसका जो मीजोग्लिया वो कैसा है सेलुलर है। और यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहां पे एट एक्सटर्नल रो ऑफ, ये देखिए एट एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट पाई जाती है, और ये कॉम्प्लेट किसमें हेल्प करती है लोकोमोशन में। मैं आपको टीनोफोरा पढ़ा रहा हूं, टीनोफोरा में सी वॉलनट और कॉम जेली आते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, रेडियल सिमेट्री होता है और स्पेशली दो प्लेन पे है तो बाई रेडियल सिमेट्री है, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, टिश्यू लेवल आप इसमें ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इसमें एट पूरे के पूरे आठ एट एक्सटर्नल रो ऑफ सिली
क्रिएटेड कॉम्प्लेट पाया जाता है और ये कॉम्प्लेट लोकोमोशन में हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने में। इसमें सबसे खास बात, जस्ट लाइक सीलेंट रेटा, यहां भी डाइजेशन एक्स्ट्रा सोलर इंट्रा सोलर दोनों है। ये वो फाइलम है जिसके मेंबर लाइट निकालते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है भाई साहब। टीनोफोरा जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी से लाइट निकलती है, क्या है बायोल्यूमिनेसेंस? द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। याद रखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। वेयर मार्क इन टीनोफोरा। और इनमें जो सेक्स होते हैं वो अलग नहीं होते, एक ही में होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं, और स्पेशली ओनली बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस बात को ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, टीनोफोरा केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और सेक्सुअल होता ही नहीं है। अभी तक जितने फाइलम पढ़े हो, पोरीफेरा और सीलेंटेटा, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन था। पहली बार ये देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, भाई साहब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इस बात को ध्यान दीजिए, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और यहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। देखो अगर लार्वा है तो डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। लार्वा नहीं है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, अगर इनडायरेक्ट है तो यहां पे लार्वा है। लार्वा का नाम है साइडिप्ड लार्वा। कौन सा लार्वा है भाई? साइडिप्ड लार्वा। तो साइडिप्ड लार्वा किस फाइलम है? टीनोफोरा। एक्सक्लूसिवली मरीन, रेडियल सिमेट्री, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक, सेलुलर मीजो ग्लिया, एट एक्सटर्नल रो ऑफ सीरिएटेड कॉम्प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है क्योंकि लार्वा है, और इसके दो एग्जाम्पल है टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैंकिया। याद रखिएगा, कैसे भूलोगे इसको? प्लूरोब्रैंकिया, प्लूरोब्रैंकिया, टीनोप्लाना। बताओ कितने एग्जाम्पल भाई? टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैंकिया, वहीं से चिल्लाओ कितने एग्जाम्पल है? दो, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैंकिया। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे फाइलम की, समझो। ऑल इंडिया पीएमटी में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। प्लेटीहेलमिंथस, प्लेटीहेलमिंथस जिसकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, मतलब उनकी बॉडी में वेंट्रल होगा और डोर्सल होगा, लेटरल पोजीशन नहीं होगा, इसीलिए तो ये प्लेट के जैसे होते हैं, इनको हम फ्लैट वर्म कहते हैं। याद रखिएगा, इनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, इसीलिए हम इसे फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी कैसी है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। और सुनना, इस बात को ध्यान दें, मोस्टली एंडोपैरासाइट, इसके ज्यादातर मेंबर क्या होते हैं? मोस्टली एंडोपैरासाइट, यानी ये अपने होस्ट के अंदर पाए जाते हैं, फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन में भी पाए जाते हैं। पहली बात, प्लेटीहेलमिंथस की बॉडी कैसी है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड। जो दूसरी बात क्या है? मोस्टली क्या है? एंडोपैरासाइट। मोस्टली क्या है? एंडोपैरासाइट। याद रखिएगा, फ्लैट वर्म में बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यहां पे पहली बार मीजोडर्म आया, और मीजोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ठूस ठूस के भरा हुआ है, इसका मतलब कोई बॉडी कैविटी नहीं थी, ये ऑसिलोमेट है। ये बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑसिलोमेट है, क्योंकि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म ठूस ठूस के भरा हुआ है। याद रखिएगा, हुक्स एंड सकर्स ये केवल पैरासिटिक फॉर्म में है, और मैंने कल बताया था कि जो भी हुक्स और सकर्स हैं, दे आर नॉट फॉर सकिंग बट फॉर अटैचमेंट। ये सकिंग में हेल्प नहीं करते, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, और ये जिस होस्ट में रहते हैं उसकी बॉडी के अंदर से डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कहां से? अपने बॉडी के सरफेस से। यहां पे याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, फ्लेम सेल, फ्लेम सेल, इसके कई नाम हैं, सोलिनोसाइट, सोलिनोसाइट, या इसे हम प्रोटोनेफ्रिडिया के नाम से जानते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलिनोसाइट या फ्लेम सेल। याद रखिएगा, ये ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है कि बॉडी में सॉल्ट और वाटर के लेवल को रेगुलेट करना।
सॉल्ट और वाटर के लेवल को रेगुलेट करना, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो सारे ऑस्मोरेगुलेटरी होते हैं। हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो किस लिए होता है? ऑस्मोरेगुलेशन के लिए होता है। फर्टिलाइजेशन याद रखिएगा इंटरनल है। देखो एक जगह अभी तक आया एक्सटर्नल, कहां? टीनोफोरा में। समझ में आ रहा है? टीनोफोरा में एक्सटर्नल था, बाकी पोरिफेरा इंटरनल, सिलेंट्रेटा इंटरनल, प्लेटी इंटरनल, क्या? फर्टिलाइजेशन। और मेरी लार्वल स्टेज, बहुत लार्वल स्टेज पाए जाते हैं, और इसमें याद रखिएगा एक प्लेनेरिया है जिसमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ रीजनरेशन है। इसमें दो एग्जांपल है, टीनिया जिसको बोलते हैं टेप वार्म, और फेसिकुला इसको बोलते हैं लीवर फ्लू। और आपको सिर्फ एक और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, व्हाट इज सो स्पेशल इन सिस्टोसोमा? बताओ भाई, व्हाट इज सो स्पेशल इन सिस्टोसोमा? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। वेद प्रकार ज्वाला कोशिका बेटा, इसको हम बोलते हैं सिस्टोसोमा, इसको बोलते हैं ब्लड फ्लूक, ब्लड फ्लूक, ब्लड फ्लूक। देखो फेसिकोला को क्या बोलेंगे? लीवर फ्लूक। सिस्टोसोमा को क्या बोलेंगे? ब्लड फ्लूक। और यहां पे जो टीनिया सोडियम का लार्वा, जितने लोग सुअर का मांस खाते हैं उनमें टीनिया सोडियम का इंफेक्शन होता है, याद रखिएगा। टीनिया सोडियम के लार्वा याद रखना, ट्रिक याद रखना, मिस आरसीएम, ट्रिक याद रखना, मिस आरसीएम, मीरासीडियम, जो टीनिया सोडियम और फेसिकुला, टीनिया का लार्वा ओएचसी। देखो टीनिया का लार्वा का ट्रिक ओएचसी, फेसिकुला का लार्वा का ट्रिक मिस आरसीएम। यहां पे एक चीज दिमाग में भरिए, जो भी टीनिया है इसको जरा मिटाए एक मिनट। देखिए इस ट्रिक को ध्यान से समझिए, देखिए हम ये कह रहे हैं जो टीनिया सोलियम है, जो टीनिया सोलियम है, टीनिया इसका ट्रिक है, लार्वा का ट्रिक ओ एच सी, ऑनकोस्फियर, ऑनकोस्फियर स्फियर, हेक्साकेंथ, हेक्साकेंथ, सिस्टी सर्कस, सिस्टी सर्कस, ये लार्वा के नाम है टीनिया सोडियम, याद रखिएगा। टीनिया सोडियम में आप याद रखिएगा कि सिंगल ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। जनरली यहां पे कोरिलेट करिए चीजों को, कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, मतलब दो पेरेंट हैं, ठीक है होता है, बट इस टीनिया सोडियम के केस में सिंगल पेरेंट कैपेबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। कि उसमें आप देखोगे ऐसे ये हेड होता है, ये देखिए ये नेक होता है, और ये उसका बॉडी के सेगमेंट होते हैं, समझो, जो भी हेड है, नेक है, और सेगमेंट, इन सेगमेंट को हम बोलते हैं प्रोग्लॉटिड, प्रोग्लॉटिड, प्रोग्लॉटिड। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, वह प्रोग्लॉटिड जो बॉडी से जितना दूर होता है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही सेगमेंट में डेवलप हो जाते हैं, समझो। तो जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड, जब ये प्रोग्लॉटिड क्या होगा, मैच्योर, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविड। क्या बोलते हैं? ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, समझ लीजिए, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, इस बात को समझिए। बट होता क्या है कि जब नई नई प्रोग्लोटिड बनती रहेगी तो जो पुरानी प्रोग्लोटिड है वो नीचे गिर जाएगी। ये देखिए पहले ये इसी का हिस्सा थी, आज ये डिटैच हो गई है। द प्रोसेस बाय विच द ग्रेविड प्रोग्लोटिड या मैच्योर प्रोग्लोटिड इज गोइंग टू डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी इज नोन एज एपोलिसिस, इसी को बोलते हैं एपोलिसिस। तो पूछेगा वो कौन सा फाइलम है जिसमें एपोलिसिस होता है? प्लेटी हेलमिंथिस। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, प्लेटी हेलमिंथिस। फ्लैट वर्म कहते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस। मोस्टली एंडोपैरासाइट है, प्लेटी हेलमिंथिस। बाइलेटरल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक ऑसिलेट है, प्लेटी हेलमिंथिस। हुक्स और सकर है, प्लेटी हेलमिंथिस। बॉडी आइसोटोनिक है होस्ट के, प्लेटी हेलमिंथिस। फ्लेम सेल है, प्लेटी हेलमिंथिस। मेनी लार्वल स्टेज है,
प्लेटी हेलमिंथस, इसके टीनिया, जिनको टीनिया सुनिया का जब इंफेक्शन होगा तो उसको बोलते हैं टीनियासिस। क्या बोलते हैं? टीनियासिस। क्या बोलते हैं? टीनियासिस। और टीनियासिस उनको होता है जो पिग का मीट खाते हैं, जो सुअर का मांस खाते हैं, याद रखिएगा, लार्वा मत भूलना। चलो बताओ टीनिया सोरिया में कितने लार्वा है भाई? तीन। पहला कौन सा? ऑन्कोस्फियर। दूसरा कौन था? हेक्साकेंथ। तीसरा कौन था? सिस्टी सर्कस। सिस्टी सर्कस। और फेसिकुला के लार्वा याद रखना, मिस आरसीएम, मिस आरसीएम, मिस आरसीएम, इसका लार्वा मीरासीडियम, मीरासीडियम लार्वा, मीरासीडियम। इसका मतलब है स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट। आर का मतलब रेडिया, रेडिया। सी का मतलब सरकारिया, सरकारिया। एम का मतलब मेटा सरकारिया, मेटा सरकारिया। तो मैं लार्वा की देख रहा हूं, फेसिकुला की लार्वा। हर बच्चे को याद रहना चाहिए। कई बच्चे सोचेंगे एनसीईआरटी नहीं दिया क्यों पढ़ा रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूं, पीछे था नीट में होमो सर्कल टेल, हेट्रो सर्कल टेल दिया था नहीं दिया था? नहीं दिया एनसीईआरटी में, पेपर में था कि नहीं था? जो दो सवाल आते हैं वो इन्हीं लाइनों के होते हैं। अगर कह रहा है कि मेनी लार्वल स्टेज है तो आपको जानना पड़ेगा वो कौन से लार्वल स्टेज है। तो आप देख रहे हो टीनिया सोलिया में तीन लार्वा है जबकि फेसिकुला में पांच लार्वा है। समझो, वो लार्वा फेसिकुला का जो बिल्कुल पैंट में पहनने वाले बेल्ट के जैसा है, उसका नाम है रेडिया। वो लार्वा जिसमें पूंछ होती है, सरकारिया। सरकारिया वो लार्वा है जिसमें पूंछ होती है, समझ लीजिए। तो आपने निपटा दिया है प्लेटी हेलमिंथस। अब आइए एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस, एस्केलमिंथस को हम राउंड वर्म के नाम से जानते हैं क्योंकि इनका क्रॉस सेक्शन काटने से सर्कुलर आउटलाइन आता है। याद रखिएगा, ये फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में इंफेक्शन काज करते हैं। देखिए हमने क्या बोला आपको, जो भी एस्केलमिंथस के मेंबर हैं इनका क्रॉस सेक्शन काटने पे सर्कुलर आउटलाइन आता है। जब सर्कुलर आउटलाइन आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? राउंड वर्म। एस्केलमिंथस को राउंड वर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन काटने पे सर्कुलर आउटलाइन आता है। याद रखिए, ये फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, पैरासिटिक है, प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। राउंड वर्म में ऑर्गल सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म है। और सबसे बड़ी बात, मैं कल्चर चिल्ला रहा हूं, स्यूडो सीलोमेट, यानी यहां पे मेसोडर्म के स्कैटर्ड पाउचेस पाए जाते हैं। यहाँ पे मेसोडर्म के स्कैटर्ड पाउचेस पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था विद सिंगल ओपनिंग फॉर बोथ माउथ एंड एनस। पहली बार एनिमल किंगडम के हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल किंगडम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद टू ओपनिंग माउथ एंड एनस आता है एस्केलमिंथस में, यानी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है यहां पे। सुनो सुनो सुनो, प्लेटी हेलमिंथस में क्या था? एक्सक्रीटरी सेल। यहां क्या है? एक्सक्रीटरी ट्यूब। उसके बाद क्या आएगा? सिस्टम। कोई भी काम अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। जब हो जाता है तो खत्म भी नहीं होता, धीरे धीरे खत्म होता है। तो जब एक्सक्रीटरी सिस्टम को आना था तो अचानक नहीं आया, एक्सक्रीटरी सेल आया, एक्सक्रीटरी ट्यूब आया, फिर सिस्टम आया, प्लेटी हेलमिंथस में एक्सक्रीटरी सेल आया, जिसको हम फ्लेम सेल, सोलिनोसाइट, प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। फिर एस्केलमिंथस में आप देखोगे यहां पे एक्सक्रीटरी ट्यूब आता है। गेट इट? एक्सक्रीटरी ट्यूब, एक्सक्रीटरी ट्यूब, एक्सक्रीटरी ट्यूब। सुनो, ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब है उसमें ऐसे आता है, एक ट्यूब ऐसे होता है, उसके बाद एक ट्यूब ऐसे होता है, एक ट्यूब ऐसे होता है। जरा जोर से बोलो बच्चों, कमेंट सेक्शन में जवाब दो, ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब देखने में ए बी सी डी और जी एच कैसा लग रहा है बताओ जरा? ए के जैसा कि बी के जैसा कि सी के जैसा कि डी के जैसा, कैसा लग रहा है बच्चों? कमेंट सेक्शन में सब लोग जवाब दो, आपके जवाब वेट कर रहा हूं मैं। किसी का जवाब नहीं आ रहा भाई, थोड़ा सा जल्दी करो। अरे ये दिख नहीं रहा है, ये लग रहा है, एच लग रहा है। वेरी गुड वेद प्रकाश, एच, एच लग रहा है, बिल्कुल एच शेप। और आप जानते हैं
इसे हम रेनेट सेल के नाम से जानते हैं। बताइए इसको हम कौन सा सेल बोलते हैं? रेनेट सेल। और याद रखिएगा रेनेट सेल पहचान है एस केल्विनथस की। बताइए कौन सा एल्विनथस है? एस केल्विनथस। समझो बात को, रेनेट सेल। ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई लोग। रेनेट सेल बच्चों जल्दी देखो, अरे कुछ नहीं हो गया भाई, तुम लोग तुरंत घबरा जाते हो, क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, रेनेट सेल। और सुनो इसमें मेल फीमेल देखो, दुबला पतला मरा मरा सा मेल, मोटी ताजी है भी फीमेल। मेल में ये देखो, ये इसको बोलते हैं हम लोग पीनियल सिटी। मेल में जो टेल है वो एंड है, पहचान लो दुबला पतला मरा मरा सा, समझो कौन है? मेल हैवी बल्कि लेजी। कौन है? फीमेल। जो एंड है वो मेल का कैसा है? कर। और फीमेल का कैसा है? स्ट्रेट। यानी दूर से देख के तुम पहचान लोगे कि कौन मेल है और कौन फीमेल। इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और मेल्स एंड फीमेल आर डायसियस, ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। प्रायः जो फीमेल होती है वो मेल से क्या होती है? लॉन्गर होती है। और याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल। डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्ट। क्या लार्वा नहीं है? अगर लार्वा है तो क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एस्केरिस। क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म। इसमें घटना घटती है जिसको हम बोलते हैं माउल्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? माउल्टिंग। और उसका ट्रिक याद रखना, SL square I, SL square I। पहली माउल्टिंग कहाँ होती है? सॉयल में, दूसरी लंग में, तीसरी लंग में, चौथी इंटेस्टाइन में। बताओ एस्केरिस में कितनी बार माउल्टिंग होती है? चार बार। पहली माउल्टिंग कहाँ है? सॉयल में। दूसरी कहाँ है? लंग में। तीसरी माउल्टिंग कहाँ है? लंग में। और चौथी कहाँ है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में सुनना, एस्केरिस के लार्वा को हम रेप्टिफॉर्म लार्वा कहते हैं, एस्केरिस के अंडे को हम मामिलेटेड एग कहते हैं, एस्केरिस के स्पर्म को हम अमीबॉइड स्पर्म के नाम से जानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज हम आपको ऐड करते हैं, जरा आइएगा ये देखिएगा, समझिए जरा ये देखिए सुनिए, कुछ कह रहा हूं आपसे, समझो मेरी बात को। यहां पे एक चीज मैं आपको कहूंगा, हमने कहा एस्केरिस, जरा कलर तो सेलेक्ट कर ले भाई, हमने कहा आपसे मिटा दो, मिट गया। अब यहां पे ये देखिए ध्यान से, हमने बोर्ड पे क्या लिखा है बच्चे? एस्केरिस, जिसको राउंड वर्म कहते हैं, ये प्लेटी एल्विनथस का मेंबर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्री है, ऑसिलोमेट है, मोस्टली एंडोपैरासाइट है, हुक्स और सकर है, लेकिन सकिंग के लिए नहीं है, नॉट फॉर सकिंग बट फॉर अटैचमेंट। और यहां पे क्या है याद है ना, ये ऐसी बातें किसके लिए लागू होंगी? प्लेटी एल्विनथस। किसके लिए? प्लेटी एल्विनथस। लेकिन एस्केरिस किसका मेंबर है? राउंड वर्म का। राउंड वर्म क्या होता है? एस्केल्विनथस। एस्केल्विनथस कैसे होते हैं? सर्कुलर आउटलाइन क्रॉस सेक्शन काटने में क्या बोलते हैं? राउंड वर्म। और यहां पे पहली बार वेल डेवलप क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम आया। आप देखो ये वही एस्केरिस है, ये वही एस्केरिस है जिसमें, ये वही एस्केरिस है जिसमें जो स्पर्म है, स्पर्म है वो अमीबॉइड है, अमीबॉइड है, अमीबॉइड स्पर्म। इसका जो एग है, एग, एग वो मैमिलेटेड एग कहलाता है। मैमिलेटेड एग पे अल्कोहल का, एल्केली का, हाई टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता। याद रखिएगा इसके लार्वा को हम रेप्टिफॉर्म लार्वा कहते हैं, रेप्टिफॉर्म लार्वा। तो आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है रेप्टिफॉर्म लार्वा किसका लार्वा है,
एस्केलिस का। एस्केलिस में जो एग है वो मामिनेटेड है, स्पर्म है, अमीबॉइड है, लार्वा, रेप्टिलिफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी जो इपिडर्मिस है, इसकी जो इपिडर्मिस है मल्टीडिप्लिकेटेड, सिंसिटियम पाया जाता है, सिंसिटियम एपिडर्मिस। पहचान किसकी है? एस्केलिस की। और सबसे बड़ी बात, इसमें स्यूडोसील पाया जाता है, स्यूडोसील, स्यूडोसील। एस्केलिस अमीबॉइड स्पर्म, एस्केलिस मामिलेटेड एग, एस्केलिस रेप्टिलिफॉर्म लार्वा, एस्केलिस सिंसिटियम एपिडर्मिस, एस्केलिस जिसको राउंड वर्म कहते हैं। एक क्वेश्चन आया है, जरा समझना, एक क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है? कि वीवीपेरी, वीवीपेरी जो अंडा देते हैं ओवीपेरी जो बच्चा देते हैं वीवीपेरी। दो एग्जांपल याद रखना, वुचेरिया जिसको फिलेरियल वार बोलते हैं, वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई जिसको फिलेरियल वार बोलते हैं, और ट्रिकिनेला। सिर्फ दो करा रहा हूं, दोनों नीट में पूछे जा चुके हैं। वुचेरिया, वुचेरिया, वुचेरिया याद रखिएगा, और ट्रिकिनेला ये एनसीईआरटी से बाहर है। ट्रिकिनेला, ट्रिकिनेला याद रखिएगा। जिन लोगों को एनसीईआरटी क्या है, ठीक है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा आपको, ये नीट में आ चुका है ट्रिकिनेला। लड़के वुचेरिया लगा के चले आए, गड़बड़ हो गया मामला। वुचेरिया और ट्रिकिनेला आपको एनसीईआरटी के साथ साथ पास्ट ईयर पेपर कम से कम 10 साल के तैयार होने चाहिए, इसीलिए हम लेके चलेंगे। तो बताओ कितने ऐसे हैं जिनमें विविपेरस कंडीशन पाई जाती है? दो। पहला क्या है? वुचेरिया। दूसरा क्या है? ट्रिकिनेला, ट्रिकिनेला, ट्रिकिनेला। अब हम आपसे कुछ कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। तो आज हमने आपको पोरिफेरा रिवाइज करा दिया, सिलेंडेटा करा दिया, टीरोफोरा करा दिया, प्लेटी हेलमिंथस करा दिया, एस हेलमिंथस करा दिया, यानी पांच फाइलम घुमा दिए। अब हम कल जेनेटिक्स की क्लास लेने वाले हैं, ये एनिमल किंगडम आगे हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से, बट जेनेटिक्स की क्लास लेने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, ध्यान से सुनिए। कल आप सबको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के सारे बच्चों को हम मेंडलिज्म मॉलिक्यूलर, सुनिए कुछ कह रहा हूं आपसे, मेंडलिज्म मॉलिक्यूलर और इवोल्यूशन का ऑनलाइन बायोटॉपिक टेस्ट 90 क्वेश्चन का करा रहे हैं। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप पे जाइए, रजिस्टर करिए, आपको जोड़ दूंगा और आप टेस्ट दीजिए। और सुनिए, मल्टीपल एसेस के साथ आपको मैं कुछ बहुत प्लान करके कल मैं बात करूंगा एक बार, अभी कुछ नहीं बोलूंगा मैं, बट कल आपको रात में टेस्ट है, समझ लो। जो कल टेस्ट की टाइमिंग है YouTube कम्युनिटी पे पोस्ट है, YouTube कम्युनिटी पे जाइए, वहां टेस्ट की टाइमिंग पोस्ट है। टेस्ट का टॉपिक जो होगा मेंडलिज्म होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होगा, और आपका मेंडलिज्म मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और दूसरा जो टॉपिक होगा आपका इवोल्यूशन होगा। कल हम 10 बजे लाइव आएंगे, 10 बजे नहीं, कल हमें 11 बजे लाइव आएंगे, 11 बजे मॉर्निंग में लाइव आएंगे, आपसे बात करेंगे, और बात करने के बाद हम पढ़ाएंगे भी, हो सकता है कि मेंडलिज्म कल स्टार्ट कर दें हम, है ना। तो कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। बट टेस्ट देना मत भूलिएगा, जो भी टेस्ट के टॉपर होंगे पहले और दूसरे, उनके क्यूमुलेटिव टॉपर को टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अदरवाइज बाद में मैं टेस्ट का चार्ज कर दूंगा, 1500 कर दूंगा। 1500 में आपको वीडियो सॉल्यूशन टेस्ट का अलोंग विद मल्टीपल एसेस, मैं काफी चीजें कल लेके आऊंगा आपके लिए, बताऊंगा मैं कैसे करना है। वहरहाल एक टेस्ट फ्री करा चुके हैं, दूसरा टेस्ट जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर और जेनेटिक्स का, मतलब मेंडलिज्म मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल दीजिए और आप अपने कैलिबर को दिखाइए, अगर मुझे लगेगा कि आप में कैलिबर है तो बहुत हेल्प करूंगा आपको। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे लाइव क्लास में। थैंक यू वेरी मच।